नाजरीन एक बार फिर हम उस्ताद कमर के पास हाजिर हुए। इन्होंने चूहे के साथ साथ अब चमगादड़े भी पकड़ना शुरू कर दिए हैं और साथ साथ इन्होंने बंदर भी रख लिया जो पालतू जानवर के तौर पे इन्होंने रखा है। बोड़ी लगा के पता अंदर हाथ डाल के सारी निकाली भाई, तो दो फरार हो गई थी। 500 मिनट पा दी वो दोनों। एक को पकड़ने के लिए हाथ का काफी है, ये पांच उंगलियां जा रही है इनका, ऐसे हाथ डाल के निकाल लें। अंदर से कोई और चीज ना निकला है, बस पिछले के अलावा ये शरीफ सा है बेचारा। थोड़े डर के लग रहे हैं, गोल ना देख लो, ऐनक नहीं लगी बस। और इसके अलावा क्या क्या रखा? इसके अलावा आप रखेंगे जो जेन फैसला करेगा। सारा ने थाने भी रखे जी। एक चमगादड़ का रेट 60 रुपये होगा, आध कमर चमगादड़ सर्विस। चंद रोज पहले इनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये चमगादड़े पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या चूहों के ऑर्डर आना कम हो गए थे या काम ठप हो गया था, क्या मसला पड़ा कि आपने चमगादड़े भी पकड़ना शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। ये बताओ कि क्या ऐसा हुआ कि चमगादड़े पकड़ने की भी नौबत आ गई? चमगादड़े चूहों का तो मुझे अभी तक ऑर्डर काफी ज्यादा आ रहे हैं। ये मैंने सोचा चलो ये भी काम ट्राई किया जाए, ये भी अब शुरू किया काम, दो दिन हुए अभी। ये चमगादड़े पता हमारी गली में बहुत ज़्यादा हो गई थी, मोहल्ले वाले परेशान थे, छोटे छोटे बच्चे गली में जाते थे ना तो परेशान थे। फिर इनका मैंने एक जुगाड़ निकाला, सारे बंदे कहते कोई हमें पता तरीका बताओ, मैं कहा हो जाएगा काम इसका। फिर अगला दिन पता सुबह सुबह नमाज के बाद सारे आ गए थे नमाज पढ़ के, पता ये हमारी गली के अंदर गार्डर है, गार्डर के साथ ही घोंसला है इनका। फिर मैंने पौड़ी लगा के पता अंदर हाथ डाल के सारी निकाली बाहर, कोई दो फरार हो गई थी, बकाया कोई 8 मेरा 8 लग गई थी, छापने में डाल के एक बंदे को दे दी। अच्छा तो उसमें वीडियो में हम देख रहे हैं कि आप उसके साथ खेल रहे हो, ऐसे खोल रहे हो, क्या वो मर गई थी या क्या था? नहीं मरी नहीं, वो जिंदा थी, दिन का वक्त नहीं दिखता, वो उसने काटा भी था मुझे, मेहंदी लगा ली ऊपर मैंने। अच्छा जी, तो कहाँ रखी है अब वो? आपके पास ही है या आजाद कर दें, क्या किया उनका? नहीं वो टपा दी मैंने, बेच दी किसे? 500 में टपा दी वो दोनों, बस 500 की दो टपा दी, 500 की। इतनी मेहनत करके यार आपने पकड़ी, फिर 500 में दे दी? मेहनत कहाँ लगी, पौड़ी लगा के हाथ डाल के निकाल ली। चूहे पकड़ने के लिए आपके पास औजार थे, किटकियाँ थी और दूसरा हमने सामान देखा था पिछली वीडियो में, तो इनको पकड़ने के लिए क्या औजार यूज करते हो, क्या क्या टेक्निक है इसकी? इनको पकड़ने के लिए हाथ का काफी है, ये पांच उंगलियां जा रही है इनका, ऐसे हाथ डाल के निकाल लें। अंदर से कोई और चीज ना निकला है बस पूछने के अलावा। अब डबल डबल बिजनेस कर रहे हो, एक तो चूहा पकड़ रहे हो, दूसरा चमगादड़े पकड़ रहे हो और अब चमगादड़े पकड़ के बेच भी रहे हो जी। तो कितना पैसे इकट्ठे कर लिए अभी तक? चाहिए आपको बताया मैं नाजरीन को कि वो भी ये कारोबार शुरू करे। नाजरीन कौन था? मुझे दे रही है, मुझे तो मेरा अल्लाह दे रहा है। नहीं नाजरीन कमाए ना आपके, मोटिवेट होकर आपसे। नाजरीन यूनिवर्सिटी में जाकर तक कहेगा। अच्छा तो हमने सुना है कि आपके पास अब बंदर भी रख लिया है, कि वो क्या सीन है वो भी बताएं। वो भाई एक बंदा है भाई आसिफ की, उसकी दुकान है शहर में, ठीक है ना, उसकी दुकान में दो चूहे आ गए थे, वो मैंने मारे हैं। उस बंदे ने मुझे चूहों के पेमेंट भी दी है और ये मंकी का बच्चा गिफ्ट दे दिया मुझे। दिखाओ हमें, तो हमें भी दिखाओ, नाजरीन को भी दिखाओ जी। नाजरीन इन्होंने, हम लोग घरों में बिल्लियाँ रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, इन्होंने बंदर का बच्चा रख लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये शरीफ सा है बेचारा, तो थोड़े डर के लग रहे हैं, गोल ना देख लो, ऐनक नहीं लगी बस। की खाना पींदा है, की रूटीन है? जो दे रहे हो खा लेगा, आएगा ना कोई जेरे आ रहा मेरे से लगा है, नहीं तो भुखा मरू पिंजरे जा पे। अच्छा अब आपने वाइट सफ़ेद चूहे भी रखे हुए हैं, बंदर भी रख लिए हैं, और इसके अलावा क्या क्या रखा है? इसके अलावा आप रखेंगे जो जेन फैसला करेगा। सारा ने थाने भी रखे जी, स्नेक का रद्द है आप रखने का। यार लोग आजकल इतने स्नेक है, वो थोड़े नहीं? नहीं लोग तो स्नेक है, मुझे एक जानदार स्नेक चाहिए। अच्छा तो ये बताएं, अब चमगादड़ों के दोबारा आते हैं, तो अब किसी ने अपने मोहल्ले से या घरों में से पकड़वानी हो तो उसका क्या रेट चल रहा है? वो राफ्ता करेंगे, एक चमगादड़ का रेट 60 रुपये होगा, चमगादड़ का भी कार्ड भी इस बनेगा। अच्छा। एक कार्ड के अलावा रेट नाजरीन बताएंगे मुझे क्या रखना है, कमेंट सेक्शन में बताएं जी, वरना फिर मेरा रेट तो पता ही है होगा, जो भी कार्ड पे होगा। तो पहले आप थे उस्ताद कमर चूहे पकड़ने वाले के नाम से मशहूर, अब क्या नाम रखोगे जब चमगादड़े भी पकड़ने शुरू कर? उस्ताद कमर चमगादड़े सर्विस, 24 घंटे दस्तियाब है। कोई और है कोई आइडिया आप चमगादड़े भी पकड़ने, इसके अलावा कोई और कौन सी चीज है जो पकड़ने वाली रहेगी? अब वो जो कंडे वाली सेह नहीं होती, उसका इरादा है मेरा। अब
जी नाज़रीन, ये थे उस्ताद कमर हमारे साथ मौजूद, जिन्होंने चूहे के साथ साथ अब चमगादड़े भी पकड़ना शुरू कर दिए। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह नी के पास।